प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां पूरा देश राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का उत्साह मना रहा था, वहीं कांग्रेस ने भी इस आयोजन की खुशी जाहिर करते हुए उत्साह मनाया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर श्री राम पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ किया था। लेकिन इस दौरान कमलनाथ कुछ भूल कर बैठे, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया। दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में हुए भूमि पूजन के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इस दिन को उत्साह के रूप में मनाया, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें श्रीराम का पूजन कर जो माला श्रीराम की तस्वीर पर चढ़ाई गई थी, उसी से प्रदेश के पूर्व मुखिया कमलनाथ ने हाथ साफ कर लिया। इधर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ शोध एवं विश्लेषण समूह द्वारा इंदौर से कमलनाथ को एक हाथ रुमाल भेंट किया गया है। वहीं हिदायत दी गई है कि आप भविष्य में उपयोग के लिए तस्वीर पर चढ़ाई गई माला से हाथ ना साफ करें, बल्कि हाथ रुमाल से साफ करें। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और अपने बंगले पर इसका पूजन किया और उन्होंने रामचंद्र जी की तस्वीर पर तिलक लगाते हुए उसी पर चढ़ी हुई माला से अपने हाथ पोछ लिए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने भाजपा विधि प्रकोष्ठ शोध एवं विश्लेषण समूह नगर संयोजक होने के नाते हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि इनको एक रुमाल भेंट किया जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह से आपने रुमाल भेजा? मैंने इंडियन पोस्ट के माध्यम से लेटर के साथ में रुमाल रखकर पहुंचाया है, इनको स्पीड पोस्ट किया है और वो एक दो दिन में पहुंच भी जाएगा और इनको ट्वीट भी कर रहा हूं मैं, उसका फोटो वीडियो मंगवा कर मैंने पहुँचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।